HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है, जहां एक निकाह के दौरान लड़की ने कबूल है की जगह अपने गर्भवती होने की बात का खुलासा कर दिया, जिसके बाद दुल्हे ने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इस दुल्हन बनी लड़की के अपने ही गांव के एक युवक के साथ 3 सालों से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते दोनों का मिलना जुलना लगा रहता था। धीरे धीरे दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बना लिए, जिसके बाद लड़की के घर वालों को पता चल गया और उन्होंने लड़की का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी दोनों लड़का और लड़की अपनी करतूतों से बाज नहीं आए और चोरी छिपे एक दूसरे से मिलना बरकरार रहा, जिसके बाद तंग आकर लड़की के पिता उस लड़के के परिवार वालों को लड़के की करतूतों का बताने पहुंच गए। अपने बेटे के हरकतों की आड़ में जानकार उन्होंने उसकी काफी पिटाई भी की। जानकारी के अनुसार दोनों लड़का और लड़की का मिलना जुलना लगातार चलता ही जा रहा था, जिससे दोनों परिवार तंग आ गए थे। आखिरकार गांव की पंचायत ने दोनों बच्चों की शादी करने की सलाह दे दी, जिसके बाद दोनों परिवार उनकी शादी करने के लिए राजी हो गए। शादी की खुशियों के इस माहौल में सभी इस बात से अनजान थे कि लड़की मां बनने वाली थी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। जब मौलवी ने शादी के लिए लड़की को कबूल है बोलने को कहा तो लड़की ने मैं प्रेग्नेंट हूँ कह दिया, जिसके बाद आसपास स्थित सभी लोगों के पांव तले से जमीन खिसक गई। आपको जानकार हैरानी होगी कि लड़की की इस बात को सुनकर मौलवी और दोनों परिवारों ने शादी से मना कर दिया। इसी दौरान लड़की ने रोना शुरू कर दिया। फिर वहां मौजूद ग्रामीण के फैसले के बाद दोनों को शादी की अनुमति मिल गई और अंत में काफी जद्दोजहद के बाद दोनों की शादी संपन्न हो ही गई।